Hello dear followers, today we are going to commence a poem entitled The Bowl Poem by John Berryman from First Flight, a textbook in English for class 10th. Let's begin. This poem has been written by John Berryman. John Berryman is an American poet and scholar. He was born in 1914 and died in 1972. John Berryman is a key figure of confessional school of poetry. His well-known work is The Dream Songs, which appeared in 1969. यह हमने पोएट के बारे में जानकारी ली है. इसके बाद आइए थोड़ा सा हम पोएट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, पोएट ने हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. अ बॉय लॉसिज अ बॉल. He is very upset. एक लड़का एक बॉल को, एक गेंद को खो देता है. He is very upset. वह बहुत ही व्याकुल हो जाता है. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. एक बॉल ज़्यादा कीमत की नहीं होती, ना ही दूसरी बॉल को खरीद पाना मुश्किल होता है. Why then is the boy so upset? तब लड़का इतना व्याकुल क्यों हो जाता है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost. पोएम को ये जानने के लिए पढ़िए कि जो गेंद खो चुकी है उसके बारे में पोएट क्या सोचता है. एंड what द boy हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ losing समथिंग. किसी चीज को गवा देने के अनुभव से लड़के को क्या सीखना पड़ता है. आइए हम इस पोएम के माध्यम से पता लगाएं. एक बार पोएम की शुरुआत करने से पहले, बिगनिंग करने से पहले, हम थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया डिस्कस कर लेते हैं. दिस पोएम प्रेजेंट्स बिफोर अस अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मैन्स रिएक्शन एट सम मटेरियल लॉस. द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ मटेरियल लॉस गिव्स मैन अ डीप जॉल्ट, डीप शॉक. सो द मीनिंग देयर बाय ही कम्स टू रियलाइज दैट गेन्स एंड लॉसेज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ वन्स लाइफ. तो जो पोएम का केंद्रीय विचार है, सेंट्रल आइडिया है, वह हमारे सामने क्या है. ये पोएम हमारे सामने व्यक्ति का किसी चीज के, किसी भौतिक नुकसान के प्रति जो प्रतिक्रिया है उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन है. यह पोएम वो अध्ययन यह पोएम हमारे सामने प्रस्तुत करती है. किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो भौतिक नुकसान होता है वह उसे गहरा शोक देता है, उससे उसे बहुत अधिक दुख होता है. इस तरह से वो व्यक्ति ये महसूस करने लग जाता है कि मनुष्य जीवन का ये नुकसान और
लाभ महत्वपूर्ण अंग है। तो एक बार हम पोएम को रिसाइट करते हैं और लाइन बाय लाइन इसको स्टडी करते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देर, इट इज इन द वॉटर, नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिज द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन। तो इन लाइन्स में हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनका मीनिंग जान लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक वर्ड है बाउंसिंग, बाउंसिंग का मीनिंग क्या है, टू मूव क्विकली, अप एंड देन अप एंड देन, यहां लिख देता हूं, टी एच ई एन डाउन, टू मूव क्विकली अप एंड देन डाउन। जैसे क्रिकेट में आपने बॉल को बाउंस होते हुए सुना होगा या देखा होगा, तेजी से बॉल उछलती हुई जाती है, कभी नीचे कभी ऊपर, एक तो मीनिंग यह है। अल्टीमेट आखिरी, मैरिली हैप्पीली, एच ओ डबल पी आई एल वाई, शेकिंग हिलना, ग्रीफ दुख, रिजिड हार्ड कठोर, हार्श भी होता है, एच ए आर एस एच हार्ड या हार्श, स्टेरिंग घूर कर देखना। तो देखिए इन लाइंस का हम डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जॉन बैरीमैन सेज दैट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बॉय नाउ, द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, व्हाट शुड ही टू डू, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग, द बॉय सेज दैट ही सॉ द बॉल गो हैप्पीली बाउंसिंग, बाउंसिंग मीन टू मूव क्विकली अप एंड देन डाउन द स्ट्रीट
एंड देन मेरिली ओवर देर इट इज इन द वॉटर द बॉल इज इन द वॉटर द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट देर इज नो यूज टू से एनीथिंग ओ देर आर अदर बॉल्स. अब मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा. देखिए व्हाट इज द बॉय नाउ. अब उस लड़के की क्या स्थिति होगी जिस लड़के की बॉल गुम हो गई है. व्हाट इज ही टू डू. अब वह लड़का क्या करे. आई कौन है. जॉन बैरीमैन द पोएट. पोएट ने जॉन बैरीमैन ने इस बॉल को हैप्पीली बाउंस होते हुए देखा था. बाउंस मीन्स क्विकली अप एंड डाउन करते हुए वो बॉल गली में चली गई थी और फिर उछलती हुई वो सीधी कहाँ चली गई. पानी में. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ देखिए. एस्टोनिशिंग है. अचंबा है क्योंकि बच्चे को तो शौक लगना था. इसलिए पोइट कहता है नो यूज टू से. कहना बेकार है. कहने का कोई भी यूज नहीं है. ओ देर आर अदर बॉल्स. ओ दूसरी गेंदे हैं इस वर्ल्ड में. एक गेंद चली गई तो क्या हुआ. संसार में और भी बॉल्स हैं. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिज द बॉय. आखिर बच्चे को बहुत ही गहरा शोक लगा और बच्चा निश्चल होके खड़ा हो जाता है. एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेबलिंग स्टेयरिंग डाउन. बच्चा रिजिड कठोर बुत बन के खड़ा हो जाता है. कांप रहा होता है. नीचे घूर कर देख रहा होता है क्योंकि बच्चे को डीप शॉक लगा. बॉल उछलती हुई कहाँ चली गई. पानी में. और तैरते हुए आगे निकल गई. तो बच्चा फिर सोचता है क्योंकि बॉल क्या है. बॉल मेटलिस्टिक वर्ल्ड की चीज है. भौतिक वादिता है. अगर किसी इंसान की कोई चीज खो जाए एक बार बड़ा दुख आता है. लेकिन वह अगर उस दुख को पूरी सहनशीलता के साथ पूरे धैर्य के साथ सहन कर ले तो उस दुख को कम किया जा सकता है. क्योंकि हम इस भौतिकतावादी संसार में जीवन यापन कर रहे हैं. यहीं पर हम नुकसान देखते हैं. यहीं पर हम फायदा देखते हैं. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर. हार्बर मीन्स बंदरगाह जहाँ पे समुद्री जहाज खड़े होते हैं. तो यहाँ पे लड़का अपने बचपन के दिनों को याद करता है. वेयर हिज बॉल वेंट जहाँ पर उसकी गेंद बाउंस करते हुए चली गई थी. I would not intrude on him. Intrude means interfere. दखल अंदाजी देना. Intrude. मैंने उस लड़के के मामले में interfere नहीं किया. A dime. Another ball is worthless. A dime. A dime means US dollar.
का एक सिक्का और कॉइन विद वन टेंथ TENTH टेंथ ऑफ US डॉलर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करेंसी डॉलर में है, उसका 1/10 जो पार्ट है सिक्के के रूप में वह डाइम कहलाता है। तो पोएट कहता है, मैंने उस लड़के के मामले में इंटरफेयर नहीं किया था, 1/10 पार्ट एक कॉइन दूसरी बाल लाने के लिए वर्थलेस है, वैल्यूलेस है, कोई कीमत ही नहीं है। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पजसन। नाउ द बॉय रियलाइजेज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ मेटलिज्म। अब ही कौन? वह बॉय सेंसिज रिलाइज। अब वह लड़का अपनी पहली जिम्मेवारी को महसूस कर लेता है, कहाँ? इस भौतिकवादी संसार में, क्योंकि जब बॉल बाउंस होते हुए पानी में गई थी तो लड़का अपनी जिम्मेवारी के प्रति केयरलेस था, लापरवाह था। लापरवाही की वजह से वो गेंद को गवा बैठा था। इसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स भी थोड़ी सी केयरलेसनेस के कारण अपने जीवन की बहुमूल्य वस्तुओं को गवा देते हैं। अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई केयरलेसनेस आ जाती है तो हम रिपेंट करते हैं, पछतावा करते हैं, जो कि हमें शोक देता है वो गवाया जाना, जिससे हमें रिपेंट होता है। तो पोएट हमें बतलाते हैं, जॉन बैरीमैन क्या कहते हैं, देखिए, पीपल विल टेक बॉल्ज, बॉल्ज विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे द लिटिल बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। उस छोटे बच्चे को, उस छोटे लड़के को पोएट ये मैसेज कन्वे करवाता है, वो लड़का जिसकी गेंद खो गई है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंदे पा लेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, गेंदे हमेशा खो जाएंगी। यहाँ एक बहुत ही डेप्थ का मीनिंग है। बॉल्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉसिंग ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ समवन्स लाइफ। यहाँ बॉल जो है वो व्यक्ति के जीवन में मूल्यवान चीजों का जो गवाया जाना है उसको रिप्रेजेंट करता। तो पोएट
जॉन बैरीमैन उस छोटे लड़के को समझाता है कि लोग अपनी चीजों को गवाएंगे और उन चीजों को रिप्लेस करेंगे, वो कैसे, आइए आगे देखते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी वापिस बॉल को खरीद नहीं पाता। कब खरीद नहीं पाता? यहाँ बॉल को वापिस खरीदना मीन्स जो मेटलिस्टिक थिंग्स हैं अगर वो गुम हो जाती हैं, उनको वापिस कैसे लाया जा सकता है? कोई क्यों खरीद नहीं पाता? एक क्वेश्चन हमारे सामने है, क्यों? किसी बहुमूल्य चीज का खो जाना और फिर उसको वापिस पा लेना, उसके लिए किसकी जरूरत होती है? पैसे की। इसलिए पॉइंट कहता है मनी इज एक्सटर्नल, पैसा एक्सटर्नल है। पैसा क्या है? एक्सटर्नल, भौतिकवादिता है, बाहरी वस्तु है पैसा। हिज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्पिरेट आइज, द बॉय इज एक्सपीरियंसिंग वेल बिहाइंड हिज डेस्पिरेट आइज। लड़का सीख रहा है अपनी डेस्पिरेट आइज के पीछे से। ठीक, लड़का जानकारी ले रहा है, सीख रहा है, अनुभव ले रहा है। यहाँ डेस्पिरेट का मीनिंग देखिए, इन डायर नीड ऑफ समथिंग, इन डायर DIRE NEED नीड ऑफ समथिंग SOME TH ING इन डायर नीड ऑफ समथिंग, इन अर्जेंट नीड ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत ही अधिक जरूरत होना। तो अपनी डेस्पिरेट आइज के पीछे से मींस लड़का इस नुकसान से अनुभव ले रहा है, सीख रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने नुकसान से हमेशा सीखता है। जब कोई चीज़ खो जाती है तो उसकी कीमत का उस इंसान को पता होता है, उसके गवाए जाने से ही वह अनुभव ले रहा होता है। द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। द एपिस्टमोलॉजी, इसका मीनिंग और मैं बतला रहा हूं, एपिस्टमोलॉजी द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी PHILOSOPHY डीलिंग विद
स्टडी ऑफ नॉलेज यहाँ आप अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ नॉलेज। के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई ज्ञान के साथ डील करने वाली दार्शनिकता की एक ब्रांच एपिस्टेमोलॉजी कहलाती है। तो इस हानि का इस नुकसान का ज्ञान हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कैसे उस जानकारी को लेकर स्टैंड करना है ये बात प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन पता चल जाएगी। एंड मोस्ट नो मैनी डेज अधिकतर कई दिनों में ये बात जान लेंगे हाउ टू स्टैंड अप कि कैसे उन चीज़ों के नुकसान और फायदे को लेकर कैसे स्टैंड करना है। क्योंकि वन थिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर ओनली विद द हेल्प ऑफ मनी। एक चीज की भरपाई एक चीज के नुकसान का पूरा होना दूसरी चीज के द्वारा ही किया जाता है, वो भी केवल तभी जब पास में पैसा है। अगर इंसान जिंदगी के इस रहस्य को समझ जाए तो वह सुखी हो सकता है। क्योंकि ये भौतिकवादिता है, वर्ल्ड ऑफ मैटेरियलिज्म है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उस चीज़ को लुटा पाने में सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए भौतिकवादिता को लेकर इंसान दुखी है। अगर इंसान के पास लग्जरीज नहीं है, लग्जूरियस लाइफ इंसान लीड नहीं कर पाता, दूसरे के पास फैसिलिटीज ज़्यादा है, अपना नुकसान है वो देखता है तो उसे झेल नहीं पाता। इसके अलावा हम इस पॉइंट में कुछ फिगर्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए व्हाट इज द व्हाई नाउ, उसके अलावा व्हाट इज ही टू डू, यहां देखिए कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, एनाफोरा। ओ एन ओ पी एच ओ आर ओ, एनाफोरा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों की एक श्रृंखला की पुनरावृत्ति को यह कंसिस्ट करता है। जैसे व्हाट इज द बॉय, व्हाट इज ही टू डू, यहाँ पर एनाफोरा है। इसको हम रिपीटिशन भी बोलते हैं। इसके अलावा मैरिली बाउंसिंग, मैरिली बाउंसिंग मैरिली ओवर, यहाँ रिपीटिशन है। जैसे बॉल बाउंस होकर जाती है तो
वो बॉय, वो लड़का उस बॉल को जाते हुए देखता है। यहाँ इमेजरी है, इमेजरी, इमेज से बना है, इमेजरी पिक्चर है ना। पोइट हमें दर्शाते हैं कि कैसे लड़के के माइंड पे वो इमेज बन जाती है, उसी से इमेजरी बना है। इसके अलावा रिपीटिशन है यहाँ पर, मैरिली मैरिली, और लास्ट में देखिए यहाँ आप देख सकते हो एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज इटर्नल। इन लाइन्स में आप देख सकते हो लास्ट टू फिफ्थ लाइन में, नो वन बाइज अ बॉल बैक, बाई बी बॉल बी बैक बी, द रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिटेशन। यहाँ पर बी मीन्स बे व्यंजन का बार बार पुनरावर्ती है, इसलिए यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच में से एलिटेशन है, ओ डबल एल आई टी ई आर ओ टी आई ओ एन। हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, डियर फॉलोअर्स, मेरा यह डेप्थ का प्रयास आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स के थ्रू अपनी व्यूज दीजिए। थैंक्स टू ऑल।